अंडरस्टैंडिंग हो, इससे लॉसेस हो सकते हैं मेरे, मेरे घर के, मेरी फैमिली, मेरी कम्युनिटी के, इसके अंदर मैं रह रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है सेफ हूँ, हो सकता है, हो सकता है मेरी कम्युनिटी को लॉस है। सो ये एक कंसिस्टेंट एंड लगातार एक ऐसा ऐसी चीज है जो आप बना रहे हैं और इन्वॉल्व कर लोगों को। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम इम्पोज करते हैं, तो इम्पोजिशन हम नहीं आते। आप बात रहे हैं कि ये हो जाएगा, रात को बात हो रही थी तो मुझे बता रहे थे कि मुल्क के अंदरूनी जो अंदरूनी शहर इलाके होते हैं वहाँ पर तो आपकी फायर की गाड़ी भी नहीं आ सकती है। उसके लिए भी मैंने पूछा है यहाँ पे, वो उनको स्टडी किया गया है, उसमें बैठे लोग एक्सपर्ट्स बैठे हैं, डिफिकल्टीज हैं वहाँ और वहाँ पे ताले टक रहे हैं, दुनिया की बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इट्स अनफॉर्चुनेट, हम एकदम ही कह सकते हैं कि बुलडोज आओ इनको गिराना शुरू कर दो, वी हैव टू वर्क इन द सेम सिनेरियो कि हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने उस कई प्रपोजल्स दिए कि आप हाइड्रेंट्स बना सकते हैं, आप बूटअप पंप्स ला सकते हैं, आप सो मच सो चीज होती है। हमने यहाँ पे प्रपोज किया है कि आप मोटर बाइक पे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, यानी गलियों के अंदर गाड़ी तो नहीं जाएगी, इम्पॉसिबल है। तो आप वो स्पेशल टाइप मोटर बाइक्स बनाए, उसके ऊपर आपने बनाई हुई है, आप वहाँ तक जा रहे हैं जहाँ आपकी गाड़ी नहीं जाती। हाइड्रेंट वहाँ होना चाहिए, ये मेडिकल इमरजेंसी की बात करूँ, रोड हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो गया, कुछ और हो गया, उस हवाले से भी इमरजेंसी से देर आर सो मेनी वेज, और उस हाइड्रेंट्स हैं, एंड देन आप अंदर जाके जो स्टोरेज टैंक बना लेते हैं, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें। देखिए सबसे बड़ी बात जो होती है वो एक तो आपकी होगी ना ऑपरेशन के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से, फिर रिस्पांस जब आता है ना, वो सबसे डेवलप्ड शहर है पाकिस्तान का, और यहाँ पे हमारे कराची कंपनी में सुएस का वो जो पाइपलाइन था, श्योर आप में जी, मैं वहीं था, आप वहीं थे, और आग लगी थी और जितने लोग उसकी लपेट में आए थे, जितने लोग कारोबार और कारोबारी में जल गए थे, और ये तक पता नहीं चल रहा था कि गैस की सप्लाई रुकी कहाँ जाएगी, गैस की सप्लाई रुकी नहीं जा सक रही थी। सो ये तो हमारे हाइड्रेंट तो आप छोड़ देंगे, हाइड्रेंट वहाँ पे होना चाहिए कि वो कुछ किया जा सके, गैस में आग लगी हुई थी, ये चीजों में क्या क्या किया करना है किसी को कुछ समझ नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन बात कहीं से तो हमें स्टार्ट करना है ना, अगर हम ऐसे इफ यू जस्ट लेट गो एज इट्स गोइंग तो फिर तो इसी तरह ही हो रहा है। तो उसमें कोऑर्डिनेशन, अब जो यहाँ पे बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इतना अहम डॉक्यूमेंट है कि जो इस वक्त नीड ऑफ द टाइम है। बिल्कुल हम कहेंगे यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा ब्रेक है, वापस आ रहे हैं। आज मिनजा ने जो सवाल आप लोगों के लिए पुट अप किया है कि हम वो शख्स हमारा सबसे ज्यादा दिल क्यों दिखाता है, जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो उसके जवाब आने वैद्य रहमान साहब काउंसलिंग सेशन दे रहे हैं। प्यार उससे नहीं करो दुनिया में सबसे खूबसूरत हो, बल्कि प्यार उससे करो जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना दे। इतना सोच में हो बंदे तो प्यार ही करें, वो जिंदगी में कुछ ना कर ले ऐसा कम जिसके नतीजे उसको दर्द के रहे, कोई सुकून, कोई सुख, कोई सहूलत ले। अच्छा फिर वैद्य रहमान साहब लाहौर से, अपनी मोहब्बत और खुलूस को सूरज की तरह जिसकी रोशनी तमाम लोगों की तरह होती है, मशवरा एक और है कि इनसे जो जिनसे प्यार करते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, और की छोटी सी बात भी दिल दुखा देती है, और अगर हम एक्सपेक्ट ना करें और बदले की खुदा से करें फिर हम हर्ट ही होंगे। अच्छा जी प्रिय भी है कि हमारी मोहब्बत की बेजा ना कदरी करते हुए हमारा दुखाते हैं। फिर एक और इस पे कमेंट है, ये है कि जो आपको प्यार करता हो आपको हर उससे मना करेगा, आपके लिए नुकसान दे, अगर कोई आपसे करता ही नहीं है प्यार फिर से क्या जरूरत है वो आपको रोके टोके, तो फिर आप रोक टोको जो है इतना बुरा ना माने, एक्सेप्ट करें प्यार का पार्ट समझे। तो इकरा का कमेंट है, लेकिन आप ध्यान में क्या चाहिए आपने बताना, तीन और बातें हैं जो आजकल के हालात से रिलेटेड, इसके बारे में मुझे बताना। नंबर एक, हम मेरी क्यों चोरी करते हैं, हमें पता चोरी करना बहुत बुरी बात है, हमारा मजहब मना करता है, हमें मना किया गया है, और चोरी तो एक आने की भी चोरी है तो बिजली की चोरी भी चोरी है, फिर हमें पता होता है कि हमारे इर्द गिर्द लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, हमें अंदाजा होता है, और अगर अंदाजा होता है फिर हम लोगों को इन्फॉर्म क्यों नहीं करते, बारे में इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते कि यार वो बंदा जो बिजली चोरी आपको पता है उसके बारे में कुछ कीजिए, तो ये चीजें क्यों नहीं होती, ये भी आपने बताना है। MWF Space Tech के अपना मैसेज 2886 के ऊपर भेजकर या फिर कॉल कीजिए, और मेरे साथ है कैप्टन महताब, इनसे हमारी बातचीत हुई है नेशनल फायर एंड सेफ्टी पॉलिसी के हवाले से। मैं एक चीज है जहन में आती, आप कहते हैं ना कि पॉलिसी आपने बनाई है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया, कोई एक्ट बना, ऑर्डिनेंस नहीं बना, किसी तरह से वो अप्लाई नहीं हो पा रही है, तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, बजट का कोई स्ट्रेंथ नहीं है क्या, ऐसा आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं मांग रहे कि जो हुकूमत के लिए लोगों के लिए प्रोवाइड करना मसला हो, आप उनसे कुछ बड़ी पैराफर्नी का डिमांड कर लिया हो आपने जो उनके लिए पूरा करना मुमकिन हो? नहीं पता, ऐसा नहीं है, हमने पूरी कोशिश की है कि जो भी एक्सटिंग सिस्टम है ना, चाहे आप ऑपरेशन के हवाले से, रेस्क्यू के हवाले से, प्रिपरेशन के हवाले से, मिटिगेशन के हवाले से है, प्रिवेंशन के हवाले से, हमें जो कोई ऐसी चीज नहीं अनहोनी हो जाए। हमने तो जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ की प्रिवेलिंग सिचुएशन है, जो जो इश्यूज यहाँ पे आते हैं, हमने उनको एड्रेस किया है और बड़े सिंपलीफाई उसको करने की कोशिश की है कि देखो ये दो जमा होते हैं, दो दो जमा दो चार होते हैं, दिस इज व्हाट इज और दैट्स द ब्यूटी। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम अनहोनी चीज, बजट ये दो बजट वो दो, इट्स वेरी स्मॉल एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उन्हीं के अंदर सब कुछ मैनेज होगा। अगर कोई भी है तो देर आर सो मेनी डोनर्स,
डोनर्स विलिंग टू पुट इन द मनी एंड दिस मतलब कि इस पॉलिसी पे जो लागत आएगी उसका खर्चा डोनर्स बर्दाश्त करने को तैयार हैं पॉलिसी नहीं पॉलिसी की वजह से या इस पॉलिसी को अगर एक्ट बना क्योंकि इंप्लीमेंटेशन की वजह से होता है बजट ऑलरेडी मौजूद है बजट की एलोकेशन डिफरेंट वेज में हो रही है ठीक है ना और जो जब आप नेशनल कमेटी को खास तौर पे इवन नेशनल लेवल पे इतने बड़े हमारे लोग जनरस लोग बैठे हुए दे जस्ट वांट टू सी कि हां ये बंदा काम कर रहा है ऑर्गेनाइज काम कर रही है दे जस्ट थ्रो इन क्या चाहिए आपको बहुत है अलग फजल से पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको बयाना मुश्किल है तो ये जीरो डोनर्स मौजूद हैं बट दे वांट टू सी कि कोई काम हो रहा है तो जो भी बजट के कोई कंसिस्टेंसी नहीं है कोई इश्यूज नहीं है प्रोग्राम कर रहे हैं जी जी बड़ी अच्छी चीज है ये बिल्कुल हमारे यहाँ जब भी इस तरह का वाक्य होता है पिछले दिन हमारे घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी उसको आग लगी सही उसके सीएनजी का सिलेंडर था फटाफट हर तरफ जो है नुकसान हुआ घर दूसरी मंजिल तक छेद उठ गया सही तो जगह ऐसी थी वहाँ फायर ब्रिगेड को बुलाया भी गया था वो आके वहाँ पे अपने काम कर नहीं पा रहे थे तरीके से सही और बच्चे थे घरों में बहुत प्रॉब्लम था उसके बाद जितना नुकसान होना था वो हो चुका सुबह जाके आग खुद बुझी तो इंपॉर्टेंट है कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हम टैक्स पे करते हैं हमें ये तो पता चले कि अगर खुदा ना खास्ता में जरूरत होगी क्योंकि एक रेस्क्यू सर्विस है वो हमारी मदद को पहुंच जाएगी हम बिल्कुल इस आशरे पे नहीं रहेंगे कि बस अब तो कुछ हो ही नहीं सकता लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऐसे ही होता है यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे मुल्क में इसी तरह कुछ और बातें शेयर करना चाहूंगा हमारे हम चाहे हैं बिजली चोरी कर रहे हैं बड़े अच्छा वो इसका प्रॉब्लम है हमारे घर में बिजली आती नहीं उनके घर कितने एसी चल रहे होते हैं गर्मियों में आपने बताया किसी को इन्फॉर्म किया इस बार हम बताएं तो जो हमारे इलाके के जितने अशरुल रुख वाले आदमी है वो आगे बात नहीं जाने देते हमारे इवन हमारे इलाके के काउंसलर है वो कहते हैं कि क्या कर रहे हैं जॉब अगर कर रहे हैं उसका तो हल है वो उनका जाति मामला है रहने अपने काम से रखे हमारे घर में इस्त्री नहीं चल रही हम कपड़े नहीं कर सके सही और वो सारा कुछ चला रहे हैं ठीक है लेकिन देखिए आपने बात तो की है ना और ये बात करना जो है पहला स्टेप होता है कम से कम वो तो आपने फील तो किया कि यार ये गलत हो रहा है तो फील करेंगे तो हम उसके ऊपर आवाज भी बुलंद करें जैसे हम आज पे करें फायर सिक्योरिटी के ऊपर ये मैं आपसे पूछ रही हूं आप इंडिविजुअल लेवल पे आप बात कर रहे हैं असल में वही सिटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम किसी के ऊपर थोप दें कि बस ये कर लिया तुमने तो ये हो गया बेसिकली सिटी कल्चर की बात कर रहे हैं आप कि आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और हर हवाले से जब भी जिस भी एनवायरमेंट में यहाँ बैठे हैं आप या बाहर हैं सड़क पे हैं घर में हैं स्कूल में कॉलेज में तो उसको उस सोच को हमने चेंज करें कल्चर डेवलप करने के लिए तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर तो आप घर से शुरू करें अपने बच्चों के हवाले से होता है कि आप स्कूल में वो क्या लर्न कर रहे हैं स्कूल में एजुकेशन जो करिकुलम हमारे हैं वो उसको डेवलप किया जाए उनको बताया जाए एक्सरसाइजेस कराए जाए जो अन लोग हैं उन कम्युनिटी के हवाले से उनके पास प्रोफेशनल जाएँ वहाँ पे उनको बताएं कि देखें आप इस एनवायरमेंट के ये चीज़ खतरनाक हो सकती है ये बिजली की तंग जर रही है ये सॉकेट जो है इस तरह लगे हुए हैं ये आप चोरी कर रहे हैं मिसाल के तौर पर जो आप टॉपिक भी है तो आप इससे क्या क्या खतरा हो सकते हैं ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरी कम्युनिटी के हवाले से तो वो एक एक लगातार सड़क के किनारे खड़े होकर ठेले से बड़े धड़ल्ले साथ खा लेते हैं कुछ भी हमें हेपेटाइटिस वायरस जो है तेजी के साथ खाने पीने की चीजों से फैलता है और बहुत सारे जर्म्स जो कि हमें लग सकते हैं जो मीडिया का उसके अंदर बहुत ज्यादा रोल है उसके ना कहूँ तो नाराज नहीं होंगी निभाया उतना निभाया क्योंकि आप जब कोई इंसिडेंट हो जाता है तो सारे कैमरा उसके ऊपर आते हैं ये क्या हुआ वो क्या हुआ भाई उसकी वो हादसा होना ही था करता है प्रदेश इसकी हादसा एकदम नहीं होता नहीं होता तो वो नहीं जानता है अब बात सर है कि उससे पहले हमने किया अवेयरनेस के सेशन किए किसी बुलाया किसी के साथ बात की आम लोगों की हमने बात सुनी क्या इश्यूज हैं क्या क्या हुआ वहाँ पे दिस इज दिस स्टार्ट्स फ्रॉम सम अदर लेवल देन जस्ट रिस्पांस के ऊपर कोई इंसिडेंट हो गया उस पर आप कैमरा फोकस करें तो मीडिया का रोल इज गुड हैरेसमेंट नहीं पैदा करनी हमें उससे एजुकेशन और लर्निंग के एस्पेक्ट्स निकाले हमें और इसी वजह से अभी आपके सवाल के दोबारा आता हूँ एक सेकंड मुझे दीजिएगा भूल लगे जो एयर क्रश हुआ एयर ब्लू ठीक है उसके अंदर 152 डेथ हो गई अभी तक मेरा कोई ऐसी चीज आई हो कि जिसमें पता चले कि ये रिकमेंडेशंस हैं या रिकमेंडेशंस हैं ताकि खुदा ना खास्ता अगर अगली दफा कुछ होने वाला उसको कुछ अबाउट कर सकें तो वी आर टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी एज एज अ नॉन सिटीजन फायर सेफ्टी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान एफएसपी वो कल 3 बजे है वो एक सेशन करें सही सेशन कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है कोई ब्लेम गेम नहीं है कोई फिंगर्स पॉइंट आउट नहीं करने के ऊपर सही करने के लिए ये वो चीजें हैं जो कम्युनिटी में बहरहाल निकलनी चाहिए मुख्य प्लेटफॉर्म से मुख्य एजुकेशनल सेंटर्स हैं डिस्कस करें ये इश्यू नहीं ये ओवरऑल चीज बता रही है कि हमारे शॉर्ट कमिंग्स हैं बिल्कुल तो ये कल ही आपको इनवाइट आप भी कर रहा हूं और दोस्तों को प्रोफेशनल हमारे बहुत सारे हैं वहां पे कल टीम है हमारा जो हॉल है
लियाकत बाग में उसमें भी 3 से 6 बजे सेशन। अच्छा मैं अब दोबारा आपको बताता हूँ जो लोगों को अवेयरनेस की बात है तो वो अवेयरनेस के हवाले से। अच्छा इस पॉलिसी के लिए मैं क्यों रेफर करता हूँ बात बात कि मेरे हिसाब से काइंड ऑफ बन चुकी है, डॉक्यूमेंट है पूरा जिसके ऊपर सिग्नेचर के जो स्टेक होल्डर्स हैं प्रोफेशनल्स हैं उनके। कम्युनिटी के हवाले से आम रैया जब भी होता है कोई दो चीजें होती हैं, बल्कि एक मैं कहूंगा एक होती है कि अब मुझे मिलेगा व्हाट आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। मुझे हर हाल में इंसान की तरह मुझे अब वो देखना है। जब आप इंडिविजुअल की बात भी करें तो आपने उनको दिखाना है कि देखो ये करो ये मिलेगा को। तो उस हवाले से ये नहीं कि सिर्फ आप सेफ जाओ सेफ करो, ऐसा नहीं होगा। इंसेंटिव इज क्या इंसेंटिव दिया सकता है एग्जैक्टली अब जो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हम इंसेंटिव दें, मिसाल के तौर पर हम एक कोर्स बनाते हैं उसमें प्रोपोजल कर जाओगे आप कोर्स बनाते हैं 2 दिन का एक करिकुलम बनाते हैं, अगर वो शख्स और मर्द या जो भी वो करता है तो उस पे मेरे होगी उसको रिकग्निशन मिलेगी। सिर्फ तो वो हुआ हुआ उसने आप काम को सेफ किया आपके पैसेजेस नहीं आप ये मेरी स्ट्रेटेजी है। इंसेंटिव आपको पहले देना पड़ेगा, रेकग्निशन पहले देना पड़ेगी, जुर्म आपको बाद करने पड़ेंगे। सही ना, जुर्म भी कहेंगे बिकॉज इफ यू आर नॉट फॉलोइंग व्हाट वी हैव टू स्टिक अ फार्मूला वो जो बहुत चले होता उसको फिर उसमें ये तो इंसेंटिव के वाले से कि आप उनको बताएंगे आप कैरियर बन सकते हैं, आप बाहर भी जा सकते हैं, आप इंडस्ट्री ट्रैक रिक्शा ले सकते हैं, आप सेफ भी हो सकते हैं। प्लस आप बिल्डिंग से बात करते हैं इंडस्ट्री की बात करते हैं उसमें ये प्रो है कि पॉइंट सेफ्टी पॉइंट सिस्टम है जिस तरह ये होता है कि हमें तो नहीं पता कि आप सेफ कर रहे हैं अनसेफ कर रहे हैं, वो तो उस पर चलता है जिस वक्त आप कुछ हो जाता है उससे पहले कौन कर रहा है उसको प्रिवेंशन वाले से एजुकेशन वाले से वो सेफ्टी पॉइंट सिस्टम है कि वो रिकॉर्ड पे लग रहा है आपके किस इंडस्ट्री ने डिजास्टर का साइकिल होता है जिसमें प्रिवेंशन से लेकर तो उसकी रिस्पांस और उसके बाद आगे रिकवरी रिहैबिलिटेशन सारे प्रोसेस है, इन तमाम चीजों पे नजर होती है और इन तमाम चीजों पे नजर रखना एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल का ही काम। ब्लेस यू आपने चले इतना दिया कि हमारे पास एक फायर सेफ्टी पॉलिसी है वो अल्लाह करे इंप्लीमेंट भी, अल्लाह करे इस एक्ट भी बने और ऑर्डिनेंस भी बदल करे इस सम्राट हमारे मुआशरे और लोगों तक पहुंचे, लोगों की जाने और के असासे और माल जो है वो हिफाजत। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच और आपका टाइम का और आपने इस इशू को हाईलाइट है, गॉड ब्लेस यू दैट। और ये नीड ऑफ द टाइम एवरी सिंगल सिटीजन इंडिविजुअल पाकिस्तान उसकी जरूरत है और बिलामबालगा बात कर रहा हूँ और इसके अगर मुझे अपील करनी पड़ रही है प्राइम ऑफ पाकिस्तान से चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट से आपके तवसुत से और आपकी प्लेटफॉर्म के तवसुत से मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस काम को जन्म दें जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग एंड इसके ऊपर लेके इसमें बहुत सारे मफादात हैं एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। बिल्कुल।